गाइस, लेट्स टॉक अबाउट न्यूज़पेपर्स टुडे। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आरबीआई और नबार्ड और सेबी के भी एक्सपेरियंट्स रेगुलरली पूछते हैं कि न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ना है और कौन सा पढ़ना है विच न्यूज पेपर टू रीड एंड हाउ टू रीड आई विल ट्राई एंड आंसर बोथ दीज क्वेश्चन ऑफ योर टूडे डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन सा न्यूज पढ़ना है क्यों पढ़ना है वाई डू यू इन पॉइंट ऑन वन न्यूज एंड डिसाइड टू रीड इट why not just follow the crowd blindly and decide uh, rationally the akupansani's newspaper. Hai, and then how to read it number one if you are a working aspirant agar aapke paas samay kam hai, if you already have lack of time then you should not be spending dedicated time on newspaper so this is kind of a disclaimer for you if you are a working aspirant in that case coverage of the syllabus plus coverage of current affairs through notes is the most important thing that's your first priority न्यूज पेपर ऑटोमेटिकली बिकम्स यूर सेकेंड प्रायोरिटी इन दैट केस यू रीड द न्यूज पेपर वेन यूर लेट से ट्रेवलिंग बस में हो मेट्रो में हो और इफ यूर सिटिंग इन देश लंच आवर्स में दोज ऑफ द टाइम्स वेर योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स आर नॉट वेरी हाई देन यू डिसाइड लेट मी जस्ट कवर द न्यूज पेपर ओके थर्टी मिनट्स टू फोर्टी फाइव मिनट से ज्यादा आपको उसके में नहीं देने हैं इवन फॉर एस्पिरंस वर वर्किंग बाई सिटिंग एट होम वर नॉट

most relevant because we have seen in the past uh, three to four years that whatever questions come from current affairs either they are from they are picked up from pib yafir bukhotsari current affairs statements have been picked up from business standard as well that automatically gives us the impression that the examiner is reading business standard regularly and it is using paragraphs directly from business standard but to say help because even if you read something let's say सिक्स मंथस बैक इन द न्यूज पेपर एंड द सेम स्टेटमेंट का एग्जाम टूडे आपको याद तो रहने वाला है नहीं तो बहुत ज्यादा उसकी रेलिवेंस वहां पर नहीं होती है बट फैक्ट्स बिजनेस स्टैंडर्ड से काफी उठाए जाते हैं सो वहां पर रेलिवेंस इसकी बढ़ जाती है ओके द प्रॉब्लम अनदर प्रॉब्लम हेयर इज इट इज वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू अदर न्यूज पेपर्स लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा टेक्निकल है इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट देन यू कैन स्विच स्विच टू अनदर न्यूज पेपर फ यू डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट तब फिर आप रोक सकते हो कि मुझे कंफर्टेबल है न्यूज पेपर लेट मी जस्ट टिक विद अब आते हैं दूसरे न्यूज पे विच इज लाइवमेंट लाइवमेंट के साथ प्रॉब्लम्स क्या है लाइवमेंट के साथ वट आर दुड थिंग्स अबाउट दिस न्यूज पेपर द बेस्ट थिंग इज दैट यू वॉन्ट फाइंड मिस्टेक्स इन द न्यूज पेपर बहुत रेयरली आपको कोई मिस्टेक मिलेगी बट

डिसडवांटेज दैट वी हैव इन लाइफ मिनट इज इट इज इट लीव ई एस आई करेंट अफेयर ई एस आई करेंट मतलब थिंग्स है सोसाइटी अदर देन द इकोनॉमी एनीथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड विद फाइनेंशियल मार्केट नॉट कनेक्टेड विद द इकोनॉमी डायरेक्टली वो यहाँ पे छूट जाती है टू वेरी लार्ज एक्सटेंड तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ई एस आई करेंट जो कवरिंग फ्रॉम पी आई बी साइमल्टेनियसली या फिर पी आई बी टू फोर सेवन जो की मनीष सर बताते हैं तो अगर वो कर रहे हो तो फिर लाइव मिनट्स पढ़ सकते हो इट्स अ गुड इनफ न्यूज पेपर बिकॉज इन एनी केस दी जो भी ओपिनियन होता है वो लाइव का काफी अच्छा होता है वेरी एक्सॉस्टिव दर्ड न्यूज पेपर दैट आई हैव पिक्ड अप एंड दिस इज द लास्ट न्यूज पेपर इज इंडियन एक्सप्रेस इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या अच्छी चीजें हैं लेट्स राइट दैट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इट लीव्स फाइनेंशियल न्यूज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट जो कि आपको लाइवमेंट में मिलेगी नाउ दिस ड मीन दैट यू स्टार्ट कवरिंग बोथ द न्यूज पेपर्स प्रॉब्लली आफ्टर फेज टू एंड बिफोर इंटरव्यू एंड यूर द इंटरव्यू एट दैट टाइम यू कैन कवर दीज टू न्यूज पेपर्स टुगेदर और बिजनेस स्टैंडर्ड एंड इंडियन एक्सप्रेस टुगेदर टू हैव अ होलिस्टिक पिक्चर अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स एज वेल एज अबाउट द इकोमी एंड ऑल्सो अबाउट द सोसाइटी इन जनरल तो तब कर सकते हो बट बिफोर दैट नॉट रिक्वायर्ड नॉट यूजफुल तो ये फाइनेंशियल न्यूज को कुछ एक्सपेक्ट कुछ एक्सटेंड तक कवर करते हैं बट बहुत सारी फाइनेंशियल न्यूज आती हैं सम आर सर्टनली मिस्ड आउट इन दिस न्यूज पेपर ओके इट इज मॉडरेट टू रीड नॉट टू ईजी नॉट टू डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल पे ये काम करता है ई एस आई न्यूज कवर करता है दैट्स एन एडवांटेज दैट्स द प्राइमरी फोकस ओके ये बहुत बड़ा एडवांटेज इस न्यूज का है अनदर इज इट कवर्स पॉलिटिकल न्यूज एज वेल तो आपको वो फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल न्यूज मुझे कवर नहीं करनी है दैट्स दी एडवांटेज विद लाइव एंड बिजनेस स्टैंडर्ड वहां पे पॉलिटिकल न्यूज बहुत कम आती है वेरी मिनिमल ओपिनियन आर ऑल्सो नॉट अराउंड पॉलिटिकल हैपनिंग्स विच आर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री तो वो काफ़ी यूजफुल हो जाता है यहाँ पे पॉलिटिकल ओपिनियंस वगैरह काफ़ी मिलेंगे सो यू हैव टू लीव अलऑफ दोस थिंग्स

तीनों के एडवांटेजेस क्या हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं यू कैन प्रॉब्ली एक्सपेरिमेंट एक एक दिन करके तीनों पढ़ लिए मार्केट जाके उठा के ले आए सुबह सुबह एंड देन यू कैन फिगर आउट कि कौन सा बेटर लग रहा है मुझे विच वन इज ईजियर टू रीड टेकिंग मिनिमम टाइम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है वोट आई नीड न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन क्रिएट करना न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदर करना नहीं है फॉर यू एज एन एस्पिरेंट व्हाई बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अस फॉर्म ऑफ स्पॉटलाइट पी आई बी करेंट अफेयर्स एंड आरबीआई करेंट अफेयर्स अब आप भी वही चीज अपने एंड से कलेक्ट करोगे यू वेस्ट इन टाइम यहाँ पे एक बंदा बैठ के वही कर रहा है तुम्हारे लिए एंड देन यू डिसाइड नो आई डू इट माई सेल्फ एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट इवन बेटर बिकॉज यहाँ पे वो इज डूइंगे राइट एंड यू हैव ओनली फोर्टी फाइव मिनट द सेम थिंग सो ऑफकोर्स यू आर नॉट गज गुड एज वी आर एट प्रोवाइडिंग यू इन्फॉर्मेशन ओपिनियन की जहां पर बात होती है वहां पर न्यूज पेपर हेल्प अलॉट ओके लेट्स कम टू हाउ टू रीड द न्यूज पेपर आई पिकडअप लाइवमेंट टूडे और मैं लाइवमेंट का आपको बता देता हूं एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप न्यूज पेपर यू डिसाइड टू पिकअप यू कैन डू द सेम थिंग वट आई डू वेन आई डिसाइड कि आज का न्यूज पेपर पढ़ना है सबसे पहले मैं पेजेस डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये फ्रंट का एक छोटा सा निपट टाइप होता है दिस इज वेरी यूजफुल तो so दिस मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर लिया ये दोनों तो पढ़ने ही पढ़ने ठीक है, है उसके बाद दिस इज द फ्रंट पेज हमेशा फ्रंट पेज को टिक मार्क करना है कि ये पढ़ना ही पढ़ना है इसमें से जो न्यूज़ बाद में ऑल्टर करनी है वो करेंगे द सेकेंड पेज इज इकोनॉमी एंड पॉलिसी हैज टू बी रेड ये द थर्ड पेज इज ऑफकोर्स एड तो छोड़ दिया फोर्थ पेज इज मार्क टू मार्केट छोड़ दिया फिफ्थ पेज इज डील टेक्स एंड स्टार्टअप छोड़ दिया

छोड़ सकते हो कंप्लीटली व्यूज एंड व्यूज ये दोनों पढ़ने हैं ओपिनियन है एंड लास्ट इज यहां पर बिजनेस ऑफ लाइफ कंप्लीटली मिस आउट कर सकते हो कोई फायदा नहीं है ये हो गया स्टेप वन वेर इन यू डिसाइड विच पेजेस टू रीड एंड पेजेस टू लीव अब आप सेकेंड स्टेप में क्या करोगे सारे पेजेस को फिर से रिव्यू करोगे एंड यू विल सी विच न्यूज टू रीड एंड न्यूज टू लीव सो दिस एंटायर एक्सरसाइज टेक्स अबाउट टेन मिनट्स उसके बाद बहुत आसान हो जाता है वही न्यूज पढ़ना बस जो आपने मार्क की है जैसे वाई so cyber अटैक वॉज सो डेवस्टेटिंग सो इट्स अबाउट साइबर अटैक कनेक्टेड विद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक कहीं ना कहीं वहां से कनेक्ट हो जाता है ये क्योंकि वहां पर भी ऑनलाइन अटैक्स के बहुत केसेस बहुत रिस्क होता है सो यू कैन जस्ट एन इंफॉर्मेशन आइडिया एज टू इट तो ये हमने पढ़ना है that's how you connect न्यूज पेपर विद दी सिलेबस एंड डिसाइड कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मिक्सड सिग्नल इट्स अबाउट जी डी पी यू हैव टू रीड इट आपने जी डी पी वर्ड देखा पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है बस माफ कर लिया कि यह पढ़ना है डेटा रिकैप जी डी पी डेटा चाइना प्रोटेस्ट ई रूपी बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल रूपी की बात कर रहा है कुछ डेटा दिया हुआ है यू हैव टू रीड इट एफ आई आई बाइंग इन निफ्टी फ्यूचर्स फोर फाइनेंशियल मार्केट से डायरेक्टली कनेक्टेड है डायरेक्टली पार्ट ऑफ यूर सिलेबस आई टी टू फिक्स टैक्स रिफंड गैप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टैक्स रिफंड की कहीं पर बात नहीं हुई है इनकम टैक्स इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ दिलेबस जीएसटी इज तो लीवआउट कर सकते हो IIT आई कानपुर स्टूडेंट गेट्स रिकॉर्ड सैलरी नॉट इम्पॉर्टेंट अनलेस आर फ्रॉम आई आई कानपुर तो इम्पोर्टेंट होगा अदरवाइज नॉट इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हिट्स हाई एज ऑर्डर सर्च ये इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ये मैं पढ़ूंगा पेज वन पे है पता नहीं कहां पर मिलेगा ये ओके बॉलीवुड गोज साउथ इन हिंदी इंटरलेंट नॉट इम्पोर्टेंट ये है इट्स अबाउट फिल्म सो नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल ओके

इंडियन ग्रोथ की बात हो रही है पेंशन बात हो रही है इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस रिव्यू सजेशन कैन कंपनीज, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है गैस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की बात हो रही है मिंट शॉर्ट्स हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी यूजफुल आई रियली लाइक दम रेलवे फ्रेट लोडिंग सरपास फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी लेवल नॉट इंपॉर्टेंट यू में डील ऑन सिक्सटी डॉलर्स पर बैलेंट रशियन ऑयल तो ऑयल की बात हो रही है, है कर लिया. 1500 81 कि ये मिलेगा आपको स्पॉटलाइट में पी आई बी में तो यहां पर बस समझ लो क्या एग्जैक्टली exactly होता है कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो एटी वन एडिशनल टीयर वन बॉन्ड होता क्या है हो? क्वेश्चन आ जाते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यूज गिव थर्टीन थाउजेंड और लिक्विडेशन वैल्यू फॉर रेल कैपिटल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के बारे में बिकॉज in पूरे इंडिया की बात हो रही है एक कंपनी की बात नहीं हो रही है यू कैन प्रॉब्लम गूगल इट ऑल्सो और उसको डिटेल में पढ़ सकते हो इस तरह से माफ करना है आपको पूरे न्यूज uh, में एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे करनी अब मैंने देखिए फोर्थ पे छोड़, छोड़ा हुआ है मार्क टू मार्केट मैंने डिसाइड किया था कि ये नहीं पढ़ूंगा तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया था बट दैट डजेंट मीन कि मैं इसको देखूंगा ही नहीं एक बार नजर मार के तो मैं देखूंगा कि यार इसमें क्या क्या है बिकॉज कई बार लॉर्ड ऑफ टाइम यू विल सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बींग मैंशन इंपॉर्टेंट टॉपिक बींग गीज पेजेस ऑल्सो जो हम छोड़ देते हैं जैसे पी है परचेजर्स मैनेजिंग इंडेक्स

इट्स अ रेगुलेटरी इश्यू है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इवन दो आई है कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा बट मेरे को दो न्यूज आइटम मिल गए जो अच्छे लग रहे हैं क्रिप्टो कॉइन क्रैक्स आफ्टर लियोरिंग प्रॉबली अंडरस्टैंड इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वाई इज क्रिप्टो फेलिंग वट डज इट सिग्निफाई बिकॉज रिसेंटली इंडियन ई रूपी हैज कम आउट डिजिटल रूपीज कम आउट तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्रिप्टो के बारे में न्यूज just try have, have a broad understanding <coughs> behind crypto digital currency and all these things specifically information ki koi zarurat nahi okay jaise is wale page ko bhi humne cancel kiya tha deals taken startups not important for us और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई भी information अच्छी नहीं है कहीं पर भी कुछ भी नहीं है It's all about separate companies, tech companies specially. तो हमने छोड़ दिया okay. ऐसे आप एक ही करके सारे पेजेस आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट रीडिंग द न्यूज पेपर उससे पहले न्यूज पेपर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज यू विल एंड ऑफ वेस्टिंग ऑन न्यूज जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेट मी कम टू ओपिनियन पेज ओपिनियन पेज पे देखते हैं कैसे फिल्टर करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेरेंटल एड्स कैन नॉट क्रेडिबली के क्लेम एक्सपर्टीज चिल्ड्रन वगैरह के बारे में है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ भी दोगे चलेगा पर्प्लेक्सिंग इनक्वालिटी डिकलाइन वाइल पॉवर्टी सीम्ड टू वर्सन ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए पूरा सीधा इकोनॉमी से कनेक्टेड है सिलेबस इंडिया एरा ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हैजन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन डायरेक्ट सिलेबस से पूछ रहे हैं आरबीआई की बात कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन एंड द ट्रबलिंग रिटर्न ऑफ देंशन स्कीम Now you can probably read about pension scheme, what's happening around that in elections, but the election itself is not important. Okay? We must temper celebrations over the new enzymes. Not important. UPSC One earth with one family and many kinds of love. Not important. Unless you want to talk about or read about philosophical things like this, up skip it if you don't have a lot of time in your hands. Okay. तो इस तरह से हमने व्यूज भी सेग्रीगेट कर लिया कि यार दिस इज वॉट लुक्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो इसको छोड़ देता हूं मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज लुकिंग एट द सिलेबस एंड यू आर ट्राइंग टू मैच विद रीडिंग विद द सिलेबस ठीक है ना सिलेबस को बार बार देखोगे डेली देखोगे इफ द सिलेबस इज इन योर हेड ऑटोमेटिकली इट विल बिकम मच इजियर फॉर यू टू रीड द न्यूज पेपर एज वेल

कोई भी डाउट्स हैं इफ़ यू वॉन्ट मी टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन कोई कंफ्यूजन है यू कैन पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पिक इट अप एंड एक्सप्लेन टू यू वट एवर नेटिग्रिटीज आर देयर रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन ऑल द बेस्ट गैस टेक केयर बाय बाय जय हिंद